ये हैं आशीष मिश्रा उर्फ टेनी। इन पर लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलकर मार देने का आरोप है। 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें एक स्थानीय पत्रकार भी मारा गया था। और ये हैं इनके पिता अजय मिश्रा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यानी बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के सहयोगी। इस कांड ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया था। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, बीजेपी का जमकर विरोध हुआ था और ये मामला कोर्ट तक गया था। लेकिन उस लखीमपुर खीरी में चुनाव नतीजों का क्या हुआ, कौन पार्टी जीती और कौन हार गई, हम आपको ये भी बताते हैं। 23 फरवरी को चौथे चरण की वोटिंग में लखीमपुर खीरी जिले में चुनाव हुआ। खीरी की 8 विधानसभा सीटों में मोहम्मदी, गोला, गोरखनाथ, कास्ता, लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन, धौरहरा और पलिया कला शामिल है। कुल 28,02,835 वोटर हैं, जिनमें से 14,95,069 वोटर पुरुष और 13,07,623 महिला वोटर हैं। लखीमपुर खीरी की सभी 8 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। शुरुआत से ही 6 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, शेष 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे थी, लेकिन शाम होते होते बीजेपी इन दोनों सीटों पर भी आगे निकल गई। यानी लखीमपुर की सभी 8 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है या जीतने जा रही है। पलिया में बीजेपी प्रत्याशी रोमी साहनी ने 1,01,129 वोट और समाजवादी पार्टी के प्रीत इंदर सिंह ने 63,681 वोट हासिल किए। गोला सीट पर बीजेपी के अरविंद गिरी को 84,224 व सपा के विनय तिवारी को 52,338 वोट मिले हैं। निघासन सीट पर शुरू से ही बीजेपी आगे चल रही थी। यहाँ बीजेपी के शशांक वर्मा को 1,14,281 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के आरएस कुशवाहा को 73,972 वोट हासिल हुए। श्रीनगर सीट पर बीजेपी की मंजू त्यागी 73,121 व सपा के राम शरण 63,112 वोट पा चुके हैं। धौरहरा से बीजेपी के विनोद अवस्थी 1,11,361 वोट पाए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के वरुण चौधरी को 87,003 वोट मिले हैं। लखीमपुर सदर में 18वें राउंड तक बीजेपी के योगेश वर्मा 19,168 व समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा 56,631 वोट पा चुके हैं। कस्ता सीट पर बीजेपी के सौरभ सिंह सोनू 1,02,865 और समाजवादी पार्टी के सुनील लाला 88,742 वोट पा चुके हैं। मोहम्मदी सीट पर 15वें राउंड तक बीजेपी के लोकेंद्र प्रताप सिंह को 59,023 और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी को 51,343 वोट मिला है। साफ है कि लखीमपुर खीरी की जनता ने बीजेपी को चुना है।